आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमएस वर्ड में आईडी कार्ड कैसे बनाया जाता है। हालांकि एमएस वर्ड को आईडी कार्ड बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको फोटोशॉप, कॉरल ड्रा, पेज मेकर इस तरह के एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करना होता है। लेकिन फिर भी एमएस वर्ड में आप एक अच्छा खासा आईडी कार्ड बना सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप आईडी कार्ड बनाना भी सीख जाएं। और आईडी कार्ड बनाने में काफी सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपके उन ऑप्शंस की प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से हो जाए। एक आईडी कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले इंसर्ट टैब में आएंगे, यहाँ शेप पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर ये बॉक्स शेप ले लेंगे, रेक्टेंगल। यहाँ पर एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे, कितना बड़ा आईडी कार्ड हम बनाना चाहते हैं। ये रेक्टेंगल आ गया। अब यहाँ पर शेप फिल पर क्लिक करके हमको ये कलर डाल लेंगे, किस कलर का आईडी कार्ड हम बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आप कलर डाल सकते हैं। नीचे आएंगे, शेप आउटलाइन है, यहाँ वेट पर क्लिक करके हम आउटलाइन को थोड़ा मोटा कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमें कंपनी या इंस्टीट्यूट का नेम डालना होगा। जैसे कि हम ईशान कंप्यूटर अकेडमी के लिए एक आईडी कार्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईशान कंप्यूटर अकेडमी। इसके लिए इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, इस पर क्लिक करके ऊपर वाला ले लेंगे सिंपल, और यहाँ पर हम ईशान कंप्यूटर अकेडमी लिखेंगे। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, होम में वापस आएंगे, यहाँ से इसका साइज हम बढ़ा लेंगे, साथ ही यहाँ पर इसको बोल्ड कर लेंगे। अगर आप चाहे तो टेक्स्ट स्टाइल भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, हम ये वाला ले लेते हैं। इसके बाद फॉर्मेट में आएंगे, शेप फिल पर जाएंगे, नो फिल, और यहाँ शेप आउटलाइन में जाकर के नो आउटलाइन। अब यहाँ पर आप इसको फिट करेंगे, इस तरीके से आप इसको यहाँ कहीं भी उठा करके रख सकते हैं। हम इसे यहाँ पर फिट कर देते हैं। यहाँ पर इसका साइज हम और बढ़ा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस अवेलेबल है। यहाँ से सेंटर चूज करेंगे, अब इसको यहाँ पर हम रख देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी एकेडमी का नेम आ चुका है। अब हम यहाँ पर एकेडमी का एड्रेस डालेंगे, तो इसके लिए हम इंसर्ट में आएंगे, यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे सिंपल वाला, और यहाँ पर हम एड्रेस टाइप कर देंगे, बसी किरतपुर बिजनौर, पिन कोड डाल देंगे। शेप फिल में जाकर के नो फिल करेंगे, शेप आउटलाइन में भी नो आउटलाइन, और इसको उठा करके हम रख देंगे इसके नीचे यहाँ पर। यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे, यहाँ से इसका साइज बढ़ा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, साथ ही आप यहाँ पर इसको कलर भी दे सकते हैं जो कि हम बाद में देंगे। यहाँ पर आप बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और आपके कीबोर्ड में जो अप डाउन लेफ्ट राइट एरो है, उन एरो से आप इसको ऊपर नीचे करेंगे। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमें लिखना है कि ये आईडी कार्ड है, तो उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट में, शेप में जाएंगे और यहाँ से कोई एक शेप ले लेंगे, शेप को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर इसको एरो की हेल्प से एडजस्ट कर लेंगे। ऊपर वाला इसको भी मैं थोड़ा इधर एडजस्ट कर लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करके एरो की हेल्प से थोड़ा एडजस्ट करेंगे। अब इसमें मुझे लिखना है आईडी कार्ड, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लूँगा सिंपल वाला, और इसमें हम टाइप करेंगे आईडी कार्ड। आईडी कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, होम में आएंगे, इसे थोड़ा बड़ा साइज देंगे, बोल्ड करेंगे, और यहाँ पर हम इसका फॉन्ट भी चेंज कर देंगे। इसके बाद फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ पर शेप फिल नो फिल, शेप आउटलाइन नो आउटलाइन। इसके बाद इसको उठाकर हम इसमें रख देंगे और एरो की हेल्प से हम यहाँ पर इसको सही तरीके से एडजस्ट करेंगे। इसे आप थोड़ा टाइम दे करके काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको ये ऑप्शंस कैसे इस्तेमाल करने हैं। अब यहाँ पर हमें डिटेल्स देनी है, इसके लिए हम आएंगे इंसर्ट में, यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे नॉर्मल, और यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे आईडी नंबर। इसके बाद यहाँ पर हम आईडी नंबर दे देते हैं, ICA 0001। एंटर करेंगे, यहाँ पर हम देंगे नेम, यहाँ पर हम नेम टाइप कर देते हैं ईशान सिट, यहाँ पर हम दे देते हैं कोर्स, कोर्स में हम डाल देते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन।
एंटर करेंगे, यहां पर हम दे देते हैं एड्रेस। एड्रेस से पहले हम यहां पर देंगे मोबाइल नंबर, तो यहां पर हम टाइप कर देते हैं मोबाइल, इसके बाद मोबाइल नंबर यहां पर डाल देंगे। यहां पर हम पूरा स्टूडेंट का एड्रेस दे देंगे, यहां पर मैं डाल देता हूं जामिया नगर दिल्ली। इसके बाद हम फॉर्मेट में आएंगे, शेप फिल में नो फिल, शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन। अब यहां पर इसको हम एडजस्ट करेंगे। अभी आप देखिए इसमें स्पेस बहुत ज्यादा है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, होम में आएंगे और यहां पर स्पेसिंग में आकर के रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ इस पर क्लिक करेंगे, यहां पर स्पेस कम हो जाएगी। अब हम इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, यहां पर बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और एरो की हेल्प से इस तरीके से हम यहां पर इसको एडजस्ट करेंगे। अब यहां पर हम थोड़ा डिजाइन कर देते हैं, इसको हम बोल्ड कर देते हैं, साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं और यहां पर इसको हम सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे, साइज बढ़ा देंगे। कोर्स के साथ भी हम यही करेंगे, बोल्ड और थोड़ा साइज बढ़ाएंगे, मोबाइल सिलेक्ट करेंगे, साइज बढ़ाएंगे, बोल्ड कर देंगे और एड्रेस को भी यहां पर साइज बढ़ाकर बोल्ड कर देंगे। अब यहां पर आईडी कार्ड में हमें एक फोटो डालना होगा, तो फोटो डालने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट में, पिक्चर पर क्लिक करेंगे, जहां पर भी फोटो रखा हुआ है वहां लोकेशन पर जाएंगे, फोटो को चूज करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, फोटो यहां पर आ गया है। सबसे पहले टेक्स्ट रैपिंग में जाकर स्क्वायर पर क्लिक करेंगे, यहां पर इसका साइज हम छोटा करेंगे और इसको उठा करके जहां पर भी हम यहां रखना चाहते हैं एडजस्ट करेंगे। इस तरीके से यहां पर हम इसको छोटा या बड़ा करेंगे और एरो की हेल्प से हम इसको लेफ्ट राइट अप डाउन करेंगे। अब यहां पर आप अपने इस कार्ड को थोड़ा डिजाइन कर सकते हैं। यहां पर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, होम में आएंगे और यहां से मैं इसको एक अलग टेक्स्ट दे देता हूं जो थोड़ा यहां पर अच्छा लगे। यहां पर मैं रेड कलर दे देता हूं। आईडी कार्ड वाले बॉक्स को यहां पर सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके इसको भी यहां पर मैं एक अलग से डिजाइन दे देता हूं। यहां पर इसका मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूं, यहां पर ये फॉन्ट सही है। नीचे आएंगे, यहां पर आप इनका भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से यहां पर हम कोई भी एक फॉन्ट देंगे। अब इसका थोड़ा साइज हम यहां पर बढ़ा देते हैं। यहां बॉक्स को हम सिलेक्ट करेंगे और एरो की हेल्प से इसको यहां पर हम एडजस्ट कर लेंगे। अब यहां पर हमें लिखना है स्टाम्प, तो हम इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहां पर हम टाइप कर देंगे, यहां पर हम टाइप कर देंगे इंस्टीट्यूट स्टाम्प, जहां पर इंस्टीट्यूट अपना स्टाम्प लगा करके देगा। अब इसको यहां से हम उठाएंगे और यहां पर रख देंगे, बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और एरो की इसकी हेल्प से हम इसको अप डाउन लेफ्ट राइट कर सकते हैं। यहां पर आपका आईडी कार्ड पूरी तरीके से रेडी है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया है। एमएस वर्ड में आप और भी खूबसूरत आईडी कार्ड बना सकते हैं, लेकिन मेन चीज है कि आपको ऑप्शंस पता होने चाहिए। जैसे कि यहां पर हमने काफी सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल किया है इस आईडी कार्ड को बनाने के लिए। अब जैसे कि अभी इसको आप और भी खूबसूरत बना सकते हैं, यहां हम बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले बॉक्स को हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और यहां से हम और भी अलग अलग तरीके की फॉर्मेटिंग दे देंगे। देखिए यहां पर ये अब और भी खूबसूरत लग रहा है। आप यहां पर और भी कलर दे सकते हैं, डिजाइनिंग दे सकते हैं, फॉन्ट कलर आप चेंज करेंगे, जिससे ये काफी खूबसूरत यहां पर लगने लगेगा। अभी जैसे कि यहां पर ये फॉन्ट है, इसको हम सिलेक्ट करके यहां पर अगर व्हाइट कलर दे दे तो ये और भी अच्छा लगेगा। देखिए इस तरीके से अभी जैसे कि यहां पर शेप फिल है, इसमें आप पिक्चर डाल सकते हैं अपने आईडी कार्ड के बैकग्राउंड में। पिक्चर पर क्लिक करेंगे, कौन सी पिक्चर आप डालना चाहते हैं उसको चूज कर लेंगे, आपके आईडी कार्ड में वही पिक्चर आ जाएगी। फिर उसी के हिसाब से आप अपने टेक्स्ट का कलर यहां पर चूज कर लेंगे, कंट्रोल प्लस जेड करेंगे वापस आ जाएंगे। शेप फिल में जाएंगे, यहां पर आपको ग्रेडियंट्स मिल जाते हैं, यानी कि एक ही कलर के अलग अलग शेप्स, तो यहां पर आप वो भी चूज कर सकते हैं। टेक्स्चर में जाके आप यहां पर अपने आईडी कार्ड में टेक्स्चर डाल सकते हैं, जिससे आपके आईडी कार्ड का डिजाइन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। यहां पर आपको काफी सारे टेक्स्चर मिल जाते हैं। पैटर्न में जाके आप यहां पर एक पैटर्न बना सकते हैं अलग अलग कलर्स का। जैसे कि यहां पर हम एक कलर ये वाला ले लेते हैं और एक कलर हम यहां पर ये वाला ले लेते हैं। दोनों कलर को मिलाकर के काफी सारे टेक्सचर यहां पर बने हैं, तो आप इसमें से कोई भी टेक्सचर चूज करके ओके करेंगे तो वही टेक्सचर यहां आपके आईडी कार्ड में आ जाएगा। सो आई होप कि अब आप इस वीडियो से सीख गए होंगे कि एमएस वर्ड में आईडी कार्ड कैसे बनाया जाता है। अब इस आईडी कार्ड को यहां आप सेव एज पर क्लिक करके पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं कार्ड,
डेस्कटॉप पर इसको हम सेव कर लेंगे। अब इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। डेस्कटॉप पर देखिए कार्ड आ गया, इसको हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आपका आईडी कार्ड आ चुका है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ प्रिंट पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं।